व्हीली भी, व्हीली भी। ओ भाई भाई भाई, ये कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी पे व्हीली। किसी बंदे ने अपने घर का बहुत बड़ा शीशा तोड़ दिया है, तो आगे हम लोग जा रहे हैं अपने दो बंदे बिठा के अपनी दूसरी वाली बाइक पे नया शीशा लेने के लिए। यार ऑर्डर देखो भाई, भाई साहब ये क्या हो गया भाई? चार ऑर्डर थे देखो यार, चारों के चारों कैंसिल हो गए हैं भाई। और अभी आ रहा है तुम्हारे भाई को तगड़े वाला गुस्सा। सो ही गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइज। तो आज एक और न्यू फ्रेश डे के साथ न्यू फ्रेश व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है गाइज। और फाइनली गाइज, कल के दिन में आप सभी लोगों ने देखा यार, हम लोग रात को 8:15-9 बजे के अराउंड घर पे वापस आ चुके थे दिल्ली से यार, अच्छी तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद। और फाइनली गाइज, आज एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है और आज ना कुछ स्पेशल है गाइज। पहले अभी का टाइम देखो, अभी का टाइम हो रहा है भाई 11:12। और आपको सच्ची बता दो भाई, आज का प्लान पता है क्या है? आज ना मुझे लगता है नवरात्रि का 5वां या 6वां दिन है। सो तुम्हारे भाई ने तय करा है और अपनी पूरी फैमिली ने भाई तय करा है कि हम लोग सारे व्रत रखेंगे भाई। सो आज गाइस तुम्हारा भाई नवरात्रों का व्रत रखने वाला है। लेकिन गाइस तुम्हारे भाई को ना मेन सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई ना आते जाते बिस्किट विस्किट भुजिया भुजिया खा लेता है भाई, अपने को ना ध्यान नहीं रहता। लेकिन आज सारी चीजें व्रत के फूड के अलावा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सख्त मना यार, हम नहीं खा सकते बिल्कुल भी। सो ठीक है गाइज, तुम्हारा भाई अच्छे से ध्यान भी रखेगा। और सबसे पहले व्रत के दिन या वैसे भी नवरात्रों में मुझे लगता है यार माता रानी जी का आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर दिन को स्टार्ट करना चाहिए या फिर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। फिलहाल गाइज यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है, पापा जी अपने साथ हैं यहाँ पे। पापा जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि पापा, जय माता दी। और क्या हाल है पापा? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आज मैंने व्रत रखा है। पापा जी आपने रखा? नहीं, मम्मा ने रखा है, जोड़ा रखना होता है ना बेटा। अच्छा ऐसे रखना होता है? तो कल मैं रखूंगा, मम्मा रखेंगे दोनों। तो ठीक है गाइस, कल पापा और मम्मी रख लेंगे? आज मैंने और मम्मी ने रख ली है, ये तो चलता रहता है गाइस। फिलहाल जल्दी से जोत बत्ती करते हैं अपने मंदिर में, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, टीका लगाते हैं, अपना बर्थडे फाइनली खत्म हो चुका है। लेकिन ना आज तक सरप्राइज खत्म नहीं हुआ भाई, पार्सल आएगा आज भी। और कौन सा पार्सल आएगा ये पापा जी आपको बताएंगे। बेटा आने हैं शूज आपके। शूज आने हैं ना, क्या बात है यार, बहुत सुंदर। और ये भी भाई एक सरप्राइज ही था जो कि थोड़ा सा डीले हो गया भाई, 18 अक्टूबर को आने थे लेकिन वो हो गया भाई 20 अक्टूबर पर डीले। सो ठीक है गाइज, आज फाइनली वो पार्सल भी आएगा। तो गाइज यहाँ पे आलू और चाय रेडी, सो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हाँ जी गाइज, यहाँ पे तुम्हारे भाई का खाना पीना ब्रेकफास्ट प्लस अपना चाय भाई सारे एकदम नक्की हो चुके हैं भाई, सारी चीजें हमने खा पी ली है। लेकिन आपको सच्ची में बताऊं, अपनी जो भूख है ना भाई अभी भी अधूरी है, सोल्व नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मम्मी जी आ चुके हैं। मम्मा प्रणाम, आज तो मम्मी जी का भी फास्ट है, आज व्रत रख रखा है। लेकिन आपको सच्ची बताऊं ना, जो सुबह सुबह बंदा तगड़े तरीके का ब्रेकफास्ट करता होता है उसका एक प्लेट वाली आलू में कैसे पेट भरेगा? कुछ, नहीं बनता। कुछ भी नहीं बनता। खाना क्यों? अभी सच्ची बता रहा हूँ भाई, अभी तो खाना खाया मुझे लगता है 2 घंटे हुए होंगे भाई, अभी दोबारा से तगड़े वाली भूख लग चुकी है भाई। मम्मा आलू पड़े हैं अभी भी? बिल्कुल पड़े हैं ना। बिल्कुल, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। मौके पे चौका मार देते हैं भाई, दूसरी प्लेट भी खींच देते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मम्मा बताओ सच्ची में आज मेहमान कौन आने वाला है? कौन? मामू। आज मामू जी आने वाले हैं ना। यस भाई, क्या ही बात है यार, जब से अपना गिफ्ट में पावर बैंक आया ना तब से इतना भी आलस रहता है, जो ये लीड है ना इसको यहाँ तक हम चार्जर तक नहीं लगा सकते भाई, यही आलस रहता है ना मम्मा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना आराम से मस्त करके बेड पे बैठे बैठे जब अपना फोन चार्ज हो रहा है तो हमने यार चार्जिंग पॉइंट पे लगा के करना भी क्या है, है ना मम्मा? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, यही मेन चीज यार फॉलो हो रही है। जब से पावर बैंक आया है ना तब से सारे पॉइंट को हमने हटा दिए साइड में से और पूरा पावर बैंक से ही चार्ज कर रहे हैं फोन, गोप्रो। और आज गोप्रो चार्ज हो रहा है तो समझ जाओ भाई तगड़े वाली धमाकेदार राइड होने वाली है। और सामने एक और चीज आपको दिखाता हूँ, इधर देखो भाई, यहाँ पे इतनी सारी रोटियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर भी 2-3 है भाई, गाय को डालनी है ना। आज राइड पे जाएंगे तो रास्ते में यार बहुत सारी गऊ माता अपने को मिलती हैं, सो रास्ते में खिला देंगे मस्त करके। मील में देखो भाई यहाँ पे खाने में है क्या का, मरुंडे भी हैं साथ में, चिप्स भी हैं और प्लस यहाँ पे आलू भी हैं। और यही होती है भाई नवरात्रों की एकदम स्पेशल डिश, सच में मुंह में पानी आ जाता है, चाहे हम लोगों ने नवरात्रा रखा है नहीं रखा, व्रत रखा है नहीं रखा, फिर भी हम लोग ये चीज खाना पसंद करते हैं। और आलू अपने सबसे ज्यादा फेवरेट है, कमेंट कर दो अगर आपको भी पसंद है। बाकी यार राइड को जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम ट्यून्ड रहो, कनेक्टेड रहो, लेट्स गो टू राइड और खाते पीते गाइस।
यहाँ पे हम लोगों ने यार खाना खाने के बाद अभी देखो भाई जो ऑर्डर देखो भाई भाई साहब ये क्या हो गया भाई। चार ऑर्डर थे देखो यार चारों के चारों कैंसिल हो गए हैं भाई। और अभी आ रहा है तुम्हारे भाई को तगड़े वाला गुस्सा। और आप भी देखो यार एक भी ऑर्डर तो नहीं है यार जो कि कंफर्म हो। पापा ये क्या हो गया अपने साथ? पता नहीं बेटा कैसे कैंसिल हो गए समझ नहीं आया। और गाइस आपको सच्ची बताऊं ना बड़े दिल से पापा ने अपने लिए और पापा ने खुद के लिए भाई एक शूज का जोड़ा मंगवा रखा था पेयर मंगवा रखा था और वो हो चुके हैं भाई बिल्कुल कैंसिल। यानी भाई साहब एकदम पोपट हो चुका है पापा ना भी दोबारा आ पाएंगे। दोबारा बेटा रेंज भी तो ज्यादा हो गई इनकी भाई। पहले ना कम प्राइस के थे और सेल पे थे ना यार आपको पता है दिवाली आ रही है दशहरा आ रहा है तो उसकी बिगेस्ट सेल लगी थी भाई फ्लिपकार्ट पे। और इधर देखो भाई सारी जगह लाल ही लाल बत्ती आ रही है भाई। एक ब्लू वाले शूज थे एक लाल वाले शूज थे दोनों हो चुके हैं भाई कैंसल्ड वो भी आज के 20 तारीख को यार 20 ऑफ अक्टूबर को। पापा क्या समाधान है फिर अभी? कोई समाधान नहीं बेटा क्या करना है? देख लो भाई सुबह से तुम्हारा भाई तो दिल से वेट कर रहा था कोई नहीं यार सबर से आ जाएंगे थोड़ा सबर कर लेते हैं सबर का फल मीठा होता है। लेकिन अभी सबर का फल क्या है भाई धोखा हो चुका है पता नहीं यार क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ठीक है गाइस अभी थोड़ा थोड़ा ना मूड खराब हो गया भाई। पापा जी मूड खराब हो गया आपका भी? बिल्कुल बेटा होता ही है मूड खराब तो बेटा। देख लो बढ़िया से जूते मंगवाए थे पापा के भी कैंसिल तुम्हारे भाई के भी कैंसिल। ठीक है गाइस अभी लेके करेंगे भी क्या ना प्राइस भी और ज्यादा हाई हो गया है सेल के बाद। सो सीधा मिलता हूँ बाइक पे यार राइड के टाइम ना लेट्स गो तैयारी करते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे तुम्हारे भाई ने शूज वूज डाल लिए भाई एकदम फुल पावर राइड को स्टार्ट करने के लिए यानी राइड की शुरुआत करने के लिए। और अभी का टाइम देखो भाई यहाँ पे शाम हो चुकी है और खाना पीना करने के बाद एक और बढ़िया सा यानी तगड़ा सा पोपट कराने के बाद दिल एकदम परेशान हो गया भाई क्योंकि जूते हो चुके हैं पापा और मेरे कैंसिल पर फिर भी कर भी क्या सकते हैं ना। अभी टाइम देखो भाई 5:48 पे आज की राइड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है पापा जी बाय 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 बाय। फिलहाल गाइज मम्मी से मिलते हैं और इधर से देखो भाई यहाँ से बाइक की चाबी उठाते हैं ये रही अपनी कूल सी बाइक की चाबी भाई ले लद्दाख वाली जैसे घूम रही है ना वैसे आज बाइक को घुमा डालेंगे भाई यानी आराम से। ठीक है अम्मा जी राइड के बाद मिलते हैं ओके 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 ओके। फिलहाल गाइज एकदम केयरफुली राइड को यानी आज की शाम की राइड को स्टार्ट करते हैं। लो जी ये देखो भाई जाने से पहले एक बार शूज़ का काम ज़रूर बनता है भाई दोनों गीले हो चुके हैं यानी पूरे भीग चुके हैं यहाँ यहाँ तक यार अपनी बाइक तक तो नहीं लेकिन अपने पापा वाली बाइक तक यानी दूसरी बाइक तक यहाँ पे नीचे नीचे पानी आ रखा है भाई। घर में साफ सफाई चल रही है दोनों जूते भीग चुके हैं भाई। और हाल देखो भाई वहाँ पानी हो रहा है और यहाँ देखो मिट्टी मिट्टी हो रही है भाई। 3-4 दिन हो गए हैं मैंने यार अपनी बाइक को स्टार्ट भी नहीं किया है और यार यूज़ करने की बात तो दूर की है भाई सिर्फ सिंपल व्लॉग चल रहा था ना अभी फ़िलहाल मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो बाइक की ज़रूरत है और बाइक बिल्कुल गंदी है। ये देख लो भाई जुगाड़ ऐसा होता है दूसरी वाली बाइक में यहाँ पे कपड़ा आ जाता है ना उसमें जगह नहीं है सो ये वाला कपड़ा निकाल के पहले इसे साफ करता हूँ और फिर चलते हैं गाइस आज की कुछ स्पेशल टाइप की राइड पे ना लेट्स गो। ये लो जी रोटी तो भूल गया था। ठीक है अम्मा जी थैंक यू ये गौ माता जी को डाल देंगे भाई रास्ते में ना। बाकी ये देखो भाई लग रहा है DRL सुंदर यार इंडिकेटर बहुत सुंदर लग रहे हैं भाई ऑल्टरनेट चल रहे हैं कभी ये चल रहा है कभी ये चल रहा है लेकिन फिलहाल हम लोग चल रहे हैं राइड पे। 3-2-1 लेट्स गो। बाहर जस्ट आए हैं और अपने को यहाँ पे गौ माता मिल चुकी हैं भाई। ये लो जी यहीं पे साइड में रोटी डाल देते हैं आराम से गाय माता मस्त करके खा लेंगी और हम लोग यार जस्ट ही चल पड़ेंगे भाई आज की मस्त वाली राइड पे। जय गौ माता जय गौ माता जय हो जय हो जय हो। फिलहाल गाइज हम लोग यहीं से फ्यूलिंग कराते हैं और उधर देखो भाई भाई साहब इतनी बड़ी JCB की फ्यूलिंग हो रही है तो अपना नंबर तो भाई सोचो भी मत यार बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है यार इस वाले पंप पे यार अपना नंबर आ जाएगा। सो एक पंप आगे भी है यार ये रहा पंप यार और यहाँ देखो भाई फुल खाली पड़ा है मुझे लगता है यहाँ आराम से नंबर आ जाएगा। नमस्कार अंकल जी 510 का ये कैमरा है अंकल जी। हाँ जी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना हम लोग। हाँ जी बस पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ से आगे जा रहे हैं राइड के लिए। लो जी यार यहाँ पे 510 का पेट्रोल आ चुका है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट देखो टैंक ऊपर तक ही फुल हो चुका है इफ़ इसकी लाइट जा रही हो तो भाई।
बाकी टैंक बंद करते हैं। और फिलहाल गाइज अंकल जी पूछ रहे थे मशीन किस चीज़ की है, मैंने कहा मशीन नहीं अंकल जी, ये है अपना कैमरा, और कैमरे में एक बार सुंदर सा हाथ हिलाओगे तो अपनी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। एक बार ऐसे करता हूँ अंकल जी, ऐसे बहुत सुंदर, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। फिलहाल गाइज यहाँ पे बजाज पल्सर का CT 100 का लाइनअप चेकआउट कर सकते हैं, ये सारा का सारा बजाज का शोरूम है मेरे भाई। और अभी फिलहाल गाइज हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक हाईवे को, यानी रोहतक वाले हाईवे को, क्योंकि दशहरे वाले टाइम ना ऐसा सुना है भाई वहाँ पे मस्त लाइटिंग होती है यार, लाइटिंग इज इक्वल टू धमाका होती है। सो एक बार चेकआउट करते हैं, उससे पहले आज हम लोग बाइक को थोड़ा खींचने भी वाले हैं, सो लेट्स गो टू द अमेजिंग राइड। एक तो गाइज ये देख लो, ये जो फ्लाईओवर है ना, यानी छोटा सा पुल है रोहतक जाते हुए आता है भाई, और नीचे देखो भाई पहले पूरी नदी नदी होया करती थी, अभी आपको दिख रहा है कहीं पे पानी, कहीं पे भी पानी नहीं है मेरे भाई, एकदम सूखी पड़ी है। सूखी छोड़ो यार, सूखा तो बहुत दूर कह दिया मैंने, सूखी जमीन के ऊपर अपने पौधे भी उग चुके हैं भाई, कमाल है। लेकिन आपको यार सारा का सारा व्यू देख के पता तो लग ही रहा होगा, ये बिल्कुल नदी है भाई जो कि रोहतक तक जाती होगी भाई, पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन ये देखो भाई रोहतक जाते हुए रास्ते में आती है भाई, रोज मिल जाते हैं अपने को, ऐसे कैसे कहाँ से आ रहे हो भाई आप, हमको पार्क के पास मिले थे फिर आप याद। हाँ याद है, याद है पार्क के पास मिले थे, हाँ सभी को जानते हैं हम लोग। अब कहाँ जा रहे हो आप? रोहतक जा रहे हैं, चलना है भाई क्या कर रहे? रोहतक वैसे ही व्लॉग बनाएंगे, कितनी देर में आओगे? बस जा रहे हैं और आ रहे हैं, दशहरा नहीं आ रहा, दशहरा तूने चलना है भाई, चलो फिर चलेंगे सारे भाई इकट्ठे हैं। आप कहाँ जा रहे हो अभी? अच्छा भाई घूम रहे हैं, वीडियो देखते हो ना सारी, वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर की वीडियो थी, अच्छी लगती है। चलो ठीक है गाइस, जब भी हम लोग जाते हैं ना ये भाई तो मेरे को पक्का मिलते हैं, और अब तो भाई फेस भी याद होने लग गए हैं, शक्ल याद है मेरे को भाइयों की सरों की। इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक एक बार धूम धूम करके दिखाना भाई साहब, भाई साहब व्हीली भी ओ भाई 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 ये कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी पे व्हीली। ठीक है मेरे भाई फिर मिलेंगे, गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। ओके भाई रेस करनी है क्या? ठीक है ओके थैंक यू भाई। फिलहाल गाइज ये थे अपने कुछ छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स, और ये लोग आ रखे थे भाई घूमने के लिए, और मैंने वैसे मौज मस्ती में कह दिया यार रोहतक जा रहे हैं, ये ना हाईवे एक्चुअली सीधा रोहतक को जा रहा है, मैं तो वैसे यार इनसे बातचीत करने में चक्कर में कह दिया रोहतक जा रहे हैं, लेकिन ठीक है गाइज हम लोग थोड़े से आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे, एंड ठीक है दिन रहते हम लोग वापस आ जाएंगे अपनी सोसाइटी में। ना यार किसी बंदे ने अपने घर का बहुत बड़ा शीशा तोड़ दिया है, सो आगे हम लोग जा रहे हैं अपने दो बंदे बिठा के अपनी दूसरी वाली बाइक पे नया शीशा लेने के लिए यार, जो कि ऑलरेडी नया शीशा लेके बैठे हुए हैं भाई, और इनको लेके जा रहा हूँ मैं अपने घर पे, ताकि नया शीशा लगवाएंगे ना भाई, और अभी तक पता नहीं लगा भाई तोड़ा किसने है अपने घर का नए वाला शीशा भाई। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये तो मैंने सिर्फ मजाक के लिए बात करी थी यार। फिलहाल गाइस हम लोग जा रहे हैं जूस पीने के लिए, और ये एक छोटा सा मजाक था अपनी पब्लिक और अपने बीच का, अपना कोई शीशा वीशा नहीं टूटा यार, और तोड़ेंगे भी क्यों भाई। और भैया जी क्या हाल है? बढ़िया हो, मस्त हो? और अंकल जी नमस्ते, एक 50 वाला बना दो अंकल जी, हाँ जी नमक बन डाल अंकल जी, सब बढ़िया। वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे? देख रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो ठीक है गाइज, भैया के फेस में स्माइल आ गई यार, इससे बड़ी बात क्या है, अपना काम ही यही है भाई, दूसरों को भी स्माइल कराना और खुद भी स्माइल करना भाई। फिलहाल जल्दी से जूस पीते हैं, और बाइक अपनी वहाँ खड़ी है, और सारी बाइकों से हटके देखो भाई एकदम कैसी लग रही है भाई, अलग ही लेवल का फील है, झकास लग रही है। पीते हैं जूस भाई, और जूस भी बन चुके हैं यहाँ पे, पीते हैं चलते हैं घर पे भाई। सो तो गाइस फाइनली यहाँ पे तुम्हारा भाई राइड से मस्त करके घर पे वापस आ चुका था, और फिलहाल गेट पे कोई आया है भाई, लेट्स सी गाइस कौन है। ये नमस्कार जी, क्या हाल है? राधा स्वामी, राधा स्वामी हेलो। यहाँ पे आ चुके हैं गाइस अपने मामू जी डायरेक्टली गुड़गांव से, डायरेक्टली गुड़गांव से। फिलहाल गाइज हो चुका है मस्ती वाला टाइम, और यहाँ पे डिनर की तैयारियां चल रही हैं मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। और मामू जी क्या सीन है?
बहुत बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। रास्ते में कुछ प्रॉब्लम? रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मस्त रहा सारा सफर? एकदम मस्त। गुड़गांव से गुहाना तक का सफर सुहावना सफर? बहुत अच्छा। जाम मिला? जाम, ट्रैफिक? हाँ जाम तो था, थोड़ा बहुत जाम था। थोड़ा बहुत जाम था भाई। बाकी बर्थडे में फुल पावर मजा आया। अभी दशहरे में मामू और फुल पावर मजा करेंगे। बिल्कुल। और भूख लगी मामू जी डिनर की? हाँ भूख तो लगी है। बहुत ज्यादा तेज लगी है भाई, बहुत ज्यादा तेज लगी है। और मामू को चाहे लगी हो ना लगी हो, तुम्हारे भाई को तगड़े वाली लगी है, क्योंकि सुबह से व्रत रख रखे है मामू जी। फास्ट है अपना। तुम्हारे भाई को तो लगती लगती है। हाँ तुम्हारे भाई को लगती है। मम्मा क्या बना रखे डिनर में? आपके लिए तो फिंगर चिप्स हैं। अपने लिए तो भाई आलू ही हैं, सुबह की तरह मस्त। और मम्मा? मामू के लिए पनीर की भुजी। पनीर की सब्जी बना रखी है भाई, भयंकर तरीके से यार। जल्दी से डिनर निपटाते हैं, बाकी फिर लोग को कर देंगे एंड। शेफ आ गए, शेफ भी आ चुके हैं भाई लंदन से। कल सैंडविच वाला काम, कल सैंडविच वाला काम डन है भाई कल का। बाकी जल्दी से देखते हैं भाई डिनर में बना क्या है। आलू ही खाएंगे ना आज, व्रत है अपना, आराम से भाई। अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है भाई, व्रत में कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और यही करते हैं भाई भगवान से प्रे कि आगे भी भाई व्रत में कोई दिक्कत आए ना। कल व्रत खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है गाइस, मिलता हूं आपको सीधा डिनर के टाइम पे। तो हाँ जी गाइस, फाइनली यहां पे हो चुका है तुम्हारे भाई का डिनर का टाइम। डिनर में जैसे आपको कहा था भाई, सेम टू सेम आलू बने हैं यहाँ पे व्रत वाले। और सामने देखो भाई, टाइम सिर्फ यार 5 मिनट 10 मिनट बाकी है अपना 10 बजने में। और 12, 1, 1.5, 2 बजे तक यार अपना सारा एडिटिंग वाला, अपलोडिंग वाला काम निपट जाएगा। और गाइज होप करता हूँ आज वाला व्लॉग आपने बहुत ज्यादा पसंद किया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।